आज यात्री जन कल्याण समिति के अध्यक्ष व संरक्षक द्वारा किदवाई नगर स्थित नोवा ब्रेड की फैक्ट्री में प्रदेश भाजपा नेतृत्व द्वारा मनोनीत दक्षिण जिलाध्यक्ष माननीय श्री शिवराम सिंह का हार्दिक स्वागत फूलों से किया गया। नोवा ब्रेड के मालिक प्रोप्राइटर विकास जायसवाल ने उनको सप्रेम भेंट एक पुस्तक की, जिसका नाम था बेटी सदा के लिए, जिस पर श्री शिवराम सिंह जी ने बताया कि योगी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आरक्षण का कार्य जो हुआ है वह सराहनीय है। इस पर उन्होंने संरक्षक विकास जायसवाल को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर हरि गोपाल पांडे, समाजसेवी राजेश यादव, सिद्धू मिश्रा नगर अध्यक्ष, प्रेम मिश्रा उपाध्यक्ष, अंजुला अवस्थी महिला अध्यक्ष, गगन सिंह क्षेत्रीय पार्षद, दिक्कू तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। और क्या कुछ कहा जिला अध्यक्ष माननीय श्री शिवराम सिंह ने और जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र पांडे जी ने, आइए सुने और देखें एक खास रिपोर्ट। सम्मान है और हम लोगों की आर्थिक इच्छा थी, इसलिए समिति के सभी लोग पहले तो हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पूरी टीम इधर आ जाए, बड़ा के घर आओ भाई, ये भी बड़ा करो, इधर आओ, अब लग रहा है कि कमी पड़ गई भैया। देखिए सामने थोड़ा उधर जाओ। श्रीराम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे अध्यक्ष पांडे जी और हमारे जितेंद्र पांडे जी का लगभग 30-32 साल बना साथ है और लंबे समय से जितेंद्र पांडे जी भी संगठन में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में लगातार सक्रिय रहे और आज भी पूरी सक्रियता से जनता के हित के लिए किस तरह जनता का हित हो उसकी चिंता लगातार करते रहते हैं, ऐसे आदरणीय जितेंद्र पांडे जी। और A1 बेड के जो हमारे मालिक हैं विकास जी से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हम लगातार आज हम अध्यक्ष के रूप में आए हैं, उससे पहले हम विकास जी से लगातार मिलते रहते थे और कोरोना काल में हमने विकास जी से आग्रह किया था, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ किस तरह से समाज के प्रति इनकी संवेदना है, मानवता है। हमने निवेदन किया कोरोना काल में कि जब दूर दूर से महाराष्ट्र से मुंबई से मध्य प्रदेश से लोग आ रहे थे, किसी के घरों चप्पल नहीं थी, कोई भूखा था, हमने निवेदन किया था कि आपका भी कुछ सहयोग हो जाए। तो आपने पूरे जब तक यह अभियान चला हम लोगों का लगातार आपने यहाँ से ब्लड की सप्लाई की थी बिना कोई पैसा दिए। पैसा होना अलग विषय है, पैसा बहुत तो पास होता है लेकिन उस पैसे का सदुपयोग किस तरह दिया जाता है वो विकास विभाग हम लोग को सीखना चाहिए, ऐसे हमारे विकास विभाग और लगातार सक्रियता समाज में हरसुर पांडे जी जो लगातार समाज में सक्रिय रहते हैं और किस तरह फिट रहना है आप सीखे हरसुर पांडे जी। हरसुर पांडे जी हमारे गगन जी, शुक्ला जी हमारे यहाँ के पार्षद वाले हरस्वरूप जी, नीतू जी बैठे बगल में, ये भी इनके कर्मों का फल इनको मिला। ये लगातार पीछे 4-5 वर्षों से क्षेत्र की जनता के बीच लगातार सक्रिय थे, किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, किसी का राशन कार्ड बनाना है, किसी का कुछ जो भी काम था तो वो नीतू जी अपना लगातार लगे थे, उसका फल संगठन ने उनको दिया उम्मीदवार बना के प्रत्याशी बनाकर और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया प्रत्याशी बनाकर। तो आज हमारे बीच में नीतू जी मौजूद हैं, हमारे आदरणीय बड़े भाई निवेदन मिश्रा जानू भैया जो लगातार कोरोना काल में एक कैंप लगातार वैक्सीनेशन का उत्तर प्रदेश सदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कैंप की चर्चा की थी, इसमें लाखों किया गया था। तो इस तरह से हमारे अभिनव शुक्ला गोलू पार्षद जी हैं, हमारे सरदार छोले भटूरे भैया हैं और सिद्धू भैया हैं, हमारी सभी बहनें हैं। तो आज अध्यक्ष के रूप में आना हुआ लेकिन हमारा यहाँ ऐसा नहीं, मैं प्रथम बार आगमन हुआ, मेरे सभी से मेरे बचपन में भी था, मेरे सामने कॉलोनी से सड़क पार करेंगे, कॉलोनी में ना पैदाइश हुई,
एक कारण पैदा हुआ, ये पला पड़ा। तो यहाँ पर लगातार संगठन में काम करने के फलस्वरूप संगठन ने कोई अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका जिम्मेदारी निर्वहन करने की शक्ति है। यात्री जन कल्याण समिति यात्रियों की सुविधा सुरक्षा के लिए कार्य करती है और निश्चित रूप से हमारे दक्षिण के यशस्वी जिलाध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता का जो कार्य होगा वो जनहित में जन कल्याण होगा, और जिस तरीके से इनके कार्य करने की ललक है निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष बनेंगे। ये यात्री जन कल्याण समिति इनको शुभकामनाएं देती है और भविष्य में कहती है कि आप ऐसे ही समाज सेवा के लिए आप भगवान इनको बल दे, पौरुष दो, इसके लिए समिति इनके लिए बहुत इनको जन कल्याण के लिए इनके लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद।